एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रेट इंडियन किचन। यहाँ आपको मिलेगी सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपीज जिनको आप झटपट बना सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी है पनीर पुलाव। पनीर पुलाव बनाने के लिए ये एक गिलास चावल लिया है मैंने। आप कोई भी गिलास मेजरमेंट के लिए सेट कर सकते हैं। घी, दो मीडियम प्याज स्लाइसों में ऐसे काट लिया है, एक बड़ा टमाटर, जिंजर और ये थोड़े से खड़े मसाले हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं और जो घर में मौजूद ना हो तो जरूरी नहीं है वो डाले ही डाले। पनीर इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, तो थोड़ा मोटा मोटा काटिए जिससे कि वो बिल्कुल बारीक नहीं होगा और मैशी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। ये धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती है, इससे बड़ा अमेजिंग सा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ऑयल, इसमें हम अपने पनीर को फ्राई करेंगे। थोड़ा ही डालना है, पनीर को अलग पैन में नहीं करेंगे, इसमें ही करेंगे। ऑयल गरम हो गया थोड़ा सा, हल्के हाथों से चलाते हुए पनीर को फ्राई करेंगे। ये देखिए, हल्का फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसको निकाल लेते हैं। जिस कुकर में हमने पनीर फ्राई किया था उसमें ये खड़े मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा, मसालों को फ्राई होने देंगे। प्याज को हल्का पिंक होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज में थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। हल्का पिंक शेड का हमें प्याज रखना है इसमें। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लाइट पिंक प्याज चाहिए हमको। अब इसमें ये जिंजर डालेंगे। टमाटर, हाफ टी स्पून हल्दी, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, वन फोर्थ गरम मसाला, इसमें मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। जो लोग इसमें कम मिर्च खाना पसंद करें वो मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल।
ये देखो। चावल को हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया था, पर इसे सोक नहीं किया था, सिर्फ वॉश किया था। और उसको अब हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें, गिलास के मेजरमेंट के हिसाब से पानी लेंगे। एक गिलास चावल था तो एक ये डेढ़ गिलास पानी। इसमें ये हमारा फ्राई किया हुआ पनीर, प्याज फ्राई करते हुए हमने थोड़ा ही नमक डाला था। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून। ये देखिए, ये धनिया पत्ता, एक सीटी आने तक कुकर बंद करेंगे। हमारे चावलों में एक सीटी आ गई है, हम गैस को थोड़ी देर के लिए स्लो कर देंगे, लगभग 1 मिनट स्लो गैस पर पकाएंगे। सीटी निकल जाए तब तक हम कुकर को खोलेंगे नहीं। ये देखिए, कुकर की विसल निकल गई है। अब हम देखते हैं हमारा पुलाव कैसा बना है। वाओ, देखिए कितना अमेजिंग सा पुलाव बना है, देखने में कितना सुंदर। जितना देखने में सुंदर है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी होगा। ये देखिए कितना कलरफुल और कितना बढ़िया। इसका एक एक दाना आपको खिला हुआ मिलेगा। आइए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्लेट तैयार है, पनीर पुलाव तैयार है, एक कंप्लीट लंच जिसको गर्मियों में खाने में आपको बहुत मजा आएगा।